नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की नीतीश सरकार सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रही है। अब तक बिहार की नीतीश सरकार ने जर्जर सड़कों की सूरत बदल दी, जिसने बिहार की रंगत बदलने में बेहद ही अहम भूमिका निभाई है। साथ ही अब सड़कों के जीर्णोद्धार के साथ ही बिहार के अंदर और बाहर रोड से सफर करना बेहद ही आसान हो गया है, क्योंकि गाड़ियां अब मक्खन की तरह रोड पर दौड़ती हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि बिहार की सड़कों के निर्माण को बिहार सरकार ने अभी भी रोका नहीं है, बल्कि बिहार सरकार अभी भी जिलों और शहरों को जोड़ने का काम कर रही है। इसी कड़ी में अब बिहार वासियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 4 शहरों में रिंग रोड बनाने के बिहार सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। केंद्र की सहमति के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में बिहार सरकार ने भागलपुर, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव केंद्र के सामने रखा था, जिसे ही अब स्वीकार कर लिया गया है। अब इन 4 शहरों में रिंग रोड बनाने में काफी हद तक जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी पटना में वाहनों के दबाव और जाम की स्थिति को देखते हुए ही यहां पर रिंग रोड का निर्माण किया गया था। इससे आम लोगों को भी काफी सुविधा मिली है, जिसके बाद ही अब अन्य जिलों में भी रिंग रोड बनाने पर सहमति बनी है। इसके लिए हाल ही में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके नई दिल्ली के अकबर रोड स्थित आवास पर मुलाकात की। नितिन नवीन बिहार के 4 शहरों में रिंग रोड निर्माण का प्रस्ताव लेकर नितिन गडकरी के पास पहुंचे थे, जिसके बाद नितिन नवीन को जो उम्मीद थी वही हुआ और नितिन गडकरी ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के अलावा बिहार के कई महत्वपूर्ण शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या के कारण आम नागरिक को आए दिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पटना में रिंग रोड का निर्माण NHAI कर रहा है। अब बिहार के 4 जिले मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया में रिंग रोड निर्माण के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। अब इन शहरों से गुजरने वाले लोगों को जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी जिन भी शहरों से रिंग रोड को निकालने की बात कही जा रही है, उसमें से कई जिले पर्यटन के लिहाज से बेहद ही अहम है। अगर हम भागलपुर जिले की ही बात कर ले तो कहने को यह जिला बिहार का 3रा सबसे बड़े शहर के रूप में विकसित है। वहीं गया की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और पर्यटन स्थल है। गया हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों का मिलन स्थल है, लेकिन यहाँ पर बाईपास या रिंग रोड का अभाव हमेशा से महसूस किया गया है, क्योंकि बौद्ध महोत्सव पितृपक्ष आदि अवसरों पर देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटकों को जाम के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं दरभंगा की बात करें तो ये बिहार के प्राचीनतम शहरों में एक है और 5वां सबसे बड़ा शहर है। इसे बिहार की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। उत्तर बिहार में दरभंगा एकमात्र ऐसा शहर है जहां व्यावसायिक एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। मुजफ्फरपुर शहर से होते हुए उत्तर बिहार के कई जिलों में यहां से जाया जाता है। इस कारण इस शहर पर वाहनों का दबाव भी काफी अधिक होता है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बिहार के 4 जिलों में रिंग रोड बनाने को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार सरकार के प्रस्ताव पर NHAI को उचित निर्देश दिया है। साथ ही प्रस्तावित रिंग रोड के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। पथ निर्माण मंत्री नवीन ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री का उनके प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख रहा है। केंद्र सरकार भी बिहार के सड़क निर्माण में काफी सहयोग कर रही है, जो कि उत्साहवर्धक है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।